अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्या है, कॉस्ट चैप्टर से, ठीक है। आपने रेवेन्यू एंड कॉस्ट चैप्टर पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कॉस्ट चैप्टर का क्वेश्चन ये है कि द कॉस्ट इनकर बाय द फर्म इन हायरिंग लेबर इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपने दो तरह के कॉस्ट पढ़े होंगे, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपने क्या पढ़ा, एक्सप्लिसिट, सॉरी यहां पे एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। दो तरह के कॉस्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। बहुत तरह के, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, इम्प्लिसिट कॉस्ट की। जब आप पेमेंट किसी लेबर को हायर किए, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, किसी आउटसाइडर को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जब हम लोग किसी लेबर को हायर किए, किसी एम्प्लॉय को हायर किए, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। ये चीजें आपकी रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड बुक में भी, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड बुक में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि आप किसी ट्यूशन इंस्टीट्यूशन, आपका खुद का है, आप ही उसमें एज अ टीचर भी काम कर रहे हैं, एज अ अकाउंटेंट भी काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर पेमेंट खुद को देंगे, खुद को कोई पेमेंट करता है नहीं करता है, तो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे कि आप उस वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड जब जहाँ पर आप खुद से काम करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जब आउटसाइडर वो पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड बुक में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। जब हम लोग खुद कहीं पे काम करें, अपने मतलब अपनी दुकान पे काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम करें, तो आप खुद को पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है द कॉस्ट इनकर बाय द फर्म इन हायरिंग लेबर, ठीक है। जब यहाँ पर लेबर को हायर किया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह के जो भी कॉस्ट होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आप लेबर को पेमेंट की, उसको आप रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो इस जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है, आंसर इज ए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि हु सेड इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएंट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जा रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा डिफ्लेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर जो भी चीज़ हैंडल हो रही है वो ठीक से नहीं हो पा रही, जिस कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है मिस हैंडल, ठीक है, ठीक से हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो इसको किसने बोला, ठीक है, इस ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला, आपके पास चार, यहाँ पे देखिए चार इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे हुए, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जी एम कीन्स, ठीक है, जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है। आपने नाम सुना होगा इकोनॉमिक्स में, जॉन मैनार्ड कीन्स ने बोला कि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएंट, ठीक है। आंसर इज डी, जे एम कीन्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, थर्ड इज रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। ये तीन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, ठीक है, फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ मनी डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से इकोनॉमिस्ट का नाम लिखा हुआ है, फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ मनी किस पे डिपेंड करता है, तीनों तीन फैक्टर्स है, ठीक है, आपको
करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रीडमैन की, तो फ्रीडमैन ने, ठीक है, फ्रीडमैन ने इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड की बात की थी अपनी थ्योरी में, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात भी की थी, ठीक है, लेकिन रेशियो ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये फ्रीडमैन का नहीं है। तो आंसर इज ए एंड बी, ठीक है। इसका आंसर हम बात करते हैं, इसका आंसर होगा सी, आंसर इज सी, ठीक है। हम फ्रीडमैन की बात करें, फ्रीडमैन ने इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड का के बारे में बोला, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बोला अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन थ्योरी, लेकिन उन्होंने रेशियो ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग से इन्वेस्टमेंट का रेशियो के बारे में बात नहीं किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी।